गाइज वेलकम टू माई फर्स्ट स्टॉक इस वीडियो में टाटा मोटर्स का हम एनालिसिस करेंगे टाटा मोटर्स का चार्ट देखेंगे और टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट देखेंगे टाटा मोटर्स के नंबर्स देखेंगे कि कितना टाटा मोटर्स पे डेट है कितना टाटा मोटर्स को इंटरेस्ट पे करना है और आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स की क्या परफॉर्मेंस रह सकती है चलिए दो मिनट का वीडियो है टाटा मोटर्स के चार्ट को देख लेते हैं पहले आपके सामने टाटा मोटर्स का चार्ट है टाइम फ्रेम इसका वीकली है यानी कि ये एक कैंडल वन वीक को यहाँ पे शो करती है वन वीक का टाइम फ्रेम यहाँ पे है ये डाउन ट्रेंड आपके सामने है ऑलमोस्ट फाइव डाउन ट्रेंड है टाटा मोटर्स का ऑलमोस्ट 600 से प्राइस आ गया था 69 तक कोविड के टाइम पे यहां पे इस डाउन ट्रेंड को टाटा मोटर्स ने ब्रेक किया है कोविड के टाइम पे टाटा मोटर्स ने इस डाउन ट्रेंड को यहाँ पे ब्रेक किया देखिए यहाँ पे रिटेस्ट आपको नजर आ रहा है कि इस डाउन ट्रेंड को रिटेस्ट किया तो यहाँ पे आपके सामने टाटा मोटर्स की फर्स्ट वेव आपको नजर आ रही है दिस इज द फर्स्ट वेव ब्रेकआउट करने के बाद ये फर्स्ट वेव आती है और प्राइस आ जाता है यहाँ पे 350 तक यहाँ पे आपका प्राइस फर्स्ट वेव में आ जाता है अराउंड 350 फिफ्टी यहाँ पे फर्स्ट वेव के बाद एक कंसोलिडेशन का फेज आता है जो कि सभी वेव्स के एक अपसाइड आती है चार्ट में पंप आता है देन देर इज सम कंसोलिडेशन तो इस कंसोलिडेशन के बाद ये यहाँ पे टाटा मोटर्स में आती है सेकेंड वेव राइट टाटा मोटर्स में यहाँ पे सेकेंड वेव आप देखते हैं तो प्राइस इसमें फाइव फिफ्टी के अराउंड 550 के अराउंड टाटा मोटर्स में प्राइस 350 के बाद यहाँ पे जाता है और ये कंसोलिडेशन सेकेंड वेव के बाद आपको नजर आ रहा है लेकिन यहाँ पे जो चार्ट में थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है देखिए कोई भी जब आ, चार्ट में होता है कोई भी स्टॉक जब अपट्रेंड में होता है तो वो किस तरीके से काम करता है कि एक यहाँ पे पंप आता है देन देर इज सम कंसोलिडेशन सेकेंड वेव देन देर इज सम कंसोलिडेशन बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो लेवल है लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए ये लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए और टाटा मोटर्स इसी पोजीशन में है कि ये कंसोलिडेशन का लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए तो जो 350 और 360 के यहाँ पे अराउंड प्राइस है 350 और 360 के अराउंड यहाँ पे प्राइस है ये टाटा मोटर्स में इस समय ब्रेक नहीं होना चाहिए अदरवाइज यहां पे आपको डाउन साइड देखने को मिल सकती है ये ट्रेंड ऑलमोस्ट ओवर हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए चार्ट की अगर हम बात करें यहां पे तो चार्ट में इंपॉर्टेंट है कि 350 और 360 का लेवल टाटा मोटर्स ब्रेक ना करे जो कि लास्ट वेव का यहां पे हाई है चलिए अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के नंबर्स की कि टाटा मोटर्स पे कितना लोन है और टाटा मोटर्स यहाँ पे कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है ये टाटा मोटर्स के नंबर्स हैं आपके सामने टाटा मोटर्स पे लोन ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ से यहाँ पे नजर आ रहा है 1.5 लाख करोड और इंटरेस्ट रेट्स जो है वर्ल्ड वाइड एकदम से इंक्रीज हुए हैं तो टाटा मोटर्स का अगर क्वार्टरली देखें तो कितना टाटा मोटर्स यहाँ पे पे कर रहा है इंटरेस्ट की बात करें तो टाटा मोटर्स यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए 2400 फोर हंड्रेड करोड़ यहाँ पे टाटा मोटर्स ने पे किया है क्वार्टरली जो इंटरेस्ट टाटा मोटर्स पे कर रहा है देखिए कितना इंटरेस्ट जो है इंक्रीज होता जा रहा है सेवनटीन से ऑलमोस्ट ट्वेंटी तो तीन साल में ये इंटरेस्ट फिफ्टी परसेंट बढ़ गया है लेकिन अब ये एक क्वार्टर में ही ट्वेंटी फोर हंड्रेड से थ्री थाउजेंड करोड इंटरेस्ट जो है थ्री थाउजेंड करोड़ तक जा सकता है तो प्रॉफिट दैट इज अराउंड फाइव थाउजेंड करोड लॉस इज अराउंड फाइव थाउजेंड करोड मे इंक्रीज टू सिक्स टू सेवन थाउजेंड करोड अगर टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस जस्ट ओके रहती है यहां पे तो यहाँ पे नंबर्स और वर्ड आपको करने वाले हैं नंबर्स और बुरे यहाँ पे टाटा मोटर्स के होने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में यही कहूंगा कि इस पे ज्यादा एक्सपोजर आप अपने पोर्टफोलियो में ना दें और बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं जिन पे ज्यादा लोन नहीं है जिनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है तो टाटा मोटर्स में थोड़ा सा कोशियस रहे थ्री फिफ्टी का लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होना चाहिए और ज्यादा लर्निंग के लिए प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे आपको चार्ट रीडिंग बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगी थैंक यू